वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का डिटेल स्टडी किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि सेकंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो सेकंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट इज़ अ फुल वेव रेक्टिफायर। सो वी ऑलरेडी स्टडी द हाफ वेव रेक्टिफायर इन प्रीवियस सेक्शन। So the output of half wave rectifier is available only in alternate positive off cycles of a AC input। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, तो इनपुट में हमने बाई डायरेक्शनल AC अप्लाई किया है एट द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड एट द आउटपुट दैट इज़ बी आउटपुट विल गेट ओनली द पॉजिटिव ऑफ साइकिल दैट इज़ फ्रॉम 0 to π ओनली। ओके, and the negative off cycle will be upsend in the output, and again for next positive off cycle will get the output. So in short, your half wave rectifier only conduct from 0 to 180 degree. So that is the half cycle of this input AC voltage will get at the output. So that is the half wave rectifier, and in that all the negative off cycles are lost and the efficiency of half wave rectifier is very पुअर। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि ओनली पॉजिटिव ऑफ साइकिल विल बी रेक्टिफाइड बाय दिस डायोड एट द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड नेगेटिव ऑफ साइकिल विल बी टोटली अपसेंट मींस लॉस्ट। सो ड्यू टू दैट द इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज वेरी पुअर। सो देयरफॉर अ रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग टू डायोड्स इज मोर यूजफुल। ठीक है, तो इसी वजह से फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो प्रोड्यूस किया है, इन दैट टू डायोड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ वन। ठीक है, तो जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज़ किया था, तो फुल वेव रेक्टिफायर में विल यूज़ द टू पीएन जंक्शन डायोड्स सो दैट विल गेट द फुल साइकिल ऑफ द इनपुट एसी वोल्टेज एट द आउटपुट। देन इन फुल वेव रेक्टिफायर द करंट फ्लोज थ्रू द लोड इन सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग द बोथ द अप साइकल्स ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो करंट फ्लो होगा लोड RL थ्रू, सो दैट विल बी अ फॉर अ फुल वेव ऑफ अ और फुल साइकल्स ऑफ द इनपुट एसी वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो फुल साइकल्स है दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, सो इन बोथ द अप साइकल्स द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस like this in full wave rectifier. So this is because the full wave rectifier circuit consists of two diodes conducting alternately. ठीक है, तो इसलिए full wave rectifier में यहाँ पे दो diodes use किए, diode D1 and D2, जो कि PN junction diode में एक ही diode हमने use किया था half wave rectifier में। ठीक है, तो यहाँ पे दो PN junction diodes are used, D1 and D2. So one of the diode will be conduct for positive off cycle and second diode will be conduct for the negative off cycle, like that. So here first we'll see the circuit diagram of full wave rectifier, then we'll take the introduction of that circuit, and then we start with the working of full wave rectifier. So here figure shows the circuit diagram of full wave rectifier, so which consist of a transformer T, that is a center tap transformer is used. Center tap transformer में क्या होता है, जो secondary winding है, ठीक है, that can be a split into the two halves, that is the first half A to C and from second is B to C. तो यहाँ पे secondary winding को यहाँ पे tapping किया गया है center में, ठीक है, so that it will be a split up into the टू सेक्शन, फर्स्ट इज ए सी, सेकेंड विल बी द बी सी, सो दैट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज अ सिंपली सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, देन टू डायोड्स पी एन जंक्शन डायोड्स आर यूज, दैट इज डायोड D1 एंड डायोड D2 इज यूज, एंड आउटपुट इज टेकन आउट अक्रॉस द लोड RL, दैट इज अ वी आउट, एंड इनपुट इज वी इन, दैट इज 230 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज, दैट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी।
So that is the input for the this primary of transformer. So that is the description of the circuit. Then we start with the working of this full wave rectifier. Here the diode D1 and D2 are connected in such way that D1 conducts in positive half cycle and D2 conducts in the negative half cycle. ठीक है, तो जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि एक ही डायोड यूज़ किया था D1, तो उसकी वजह से हमें सिर्फ ओनली पॉजिटिव अप साइकिल मिल रहा था आउटपुट में, तो उससे क्या हो रहा था, इफिशियंसी जो है रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो पुअर था, क्योंकि बाई डायरेक्शनल एसी देने के बाद भी हमें सिर्फ एक ही साइकिल मिल रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव अप साइकिल वहाँ पर टोटली एबसेंट है. ठीक है, बट फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स यूज़ किए, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा हमें दोनों भी साइकिल में मिलेगा. ठीक है, तो पॉजिटिव अप साइकिल के लिए डायोड D1 कंडक्ट करेगा जब भी इनपुट का नेगेटिव अप साइकिल रहेगा. ठीक है, सो एट दैट टाइम डायोड D2 विल बी कंडक्ट एंड एट दैट टाइम D1 विल बी रिवर्स बायस लाइक दैट. ठीक है, तो दोनों भी हाफ साइकिल्स में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव विल गेट द फुल हाफ साइकिल एट द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. दैट्स वाई इट्स नेम इज़ फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है, तो D1 के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव के लिए D2 कंडक्ट करेगा लाइक दैट. सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज दैट इज इनपुट AC वोल्टेज, द पॉइंट ए इज एट द हायर पोटेंशियल दैन दैट ऑफ पॉइंट बी. ओके, तो सेम जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में लिया था, वेन देर इज अ पॉजिटिव अप साइकिल ऑफ द इनपुट AC वोल्टेज दैट इज दिस पॉजिटिव अप साइकिल 0 to π विल बी अपीयर एट द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर. सो एट दैट टाइम पॉइंट ए इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, सो दैट्स वाई डायोड D1 विल बी कंडक्ट. सो ड्यू टू दैट डायोड D1 विल बी कंडक्ट बिकॉज इट्स एनोड विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड. ठीक है, सो हमें पता है कि डायोड में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एनोड, ठीक है, एंड सेकंड होता है कैथोड. सो इट्स जस्ट लाइक अ एरो एंड दिस एरो पॉइंट हियर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो. ठीक है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ठीक है, सो व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड वी कैन से दैट डायोड विल बी अ फॉरवर्ड बायस. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखा कि डायोड दो रीजन में वर्क करता है, एक फॉरवर्ड एंड एज वेल एज रिवर्स. सो फॉरवर्ड बायस में ही वो ऑन होगा, रिवर्स बायस में ऑफ रहेगा. ठीक है, देर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स बायस कंडीशन. ठीक है, तो एट दैट टाइम D1 विल बी फॉरवर्ड बायस एंड दिस डायोड D2 विल बी अ रिवर्स बायस बिकॉज इट इज़ नेगेटिव एंड दिस विल बी अ पॉजिटिव. ओके, सो वी कैन से दैट एट दैट टाइम डायोड D2 विल बी इन रिवर्स बायस एंड देर इज़ अ नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस डायोड D2. सो वील गेट द पॉजिटिव ऑफ साइकिल एट द आउटपुट ड्यू टू द डायोड D1 विल बी कंडक्ट लाइक दैट. ओके, सो द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL फॉलोज द पाथ ऑफ APQRC. सो द करंट का जो पाथ रहेगा यहाँ पे वो इस तरह से रहेगा, दिस विल बी अ ए देन पी क्यू आर एंड देन सी लाइक दैट. ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन ए टू पी क्यू आर एंड देन सी. सो दैट इज द पाथ फॉर करंट फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन द डायोड D1 विल बी ऑन. दिस इज फॉर द 0 to π ऑफ द दैट इज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट विल गेट द पॉजिटिव हाफ साइकिल एट द आउटपुट ड्यू टू द डायोड D1 विल बी कंडक्ट. देन विल सी द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC वोल्टेज एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स. सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सप्लाय दैट इज नेगेटिव साइकिल दैट इज π2 to π. सो एट दैट टाइम द पॉइंट बी इज नेगेटिव एंड पॉइंट ए इज पॉजिटिव. सो ड्यू टू दैट द डायोड D2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस
so that can be a on, and at that time diode D1 will be in reverse bias, so that will be a point B will be the positive and point A will be the negative. So due to that, it diode D2 anode is positive with respect to cathode, so then we can say that diode D2 will be in on condition, and in this condition the anode is negative and its cathode will be positive, say then diode D1 will be in off condition. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि डायोड D2 ऑन रहेगा क्योंकि उसका एनोड है पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो पॉजिटिव है एंड पॉइंट ए विल बी द एट द नेगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, तो आउटपुट में हमें जो साइकिल मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है, इज ड्यू टू द डायोड D2 ऑन होने की वजह से. ठीक है, सो दैट इज फॉर द negative half cycle will get the output due to diode D2. So the current through the load resistance RL follows the path of, ठीक है, तो जिस तरह से हमने positive half cycle के लिए path देखा था, same for negative half cycle the path will be a this B P Q R and this C, so that is the path, that is B P Q R C, so that is the current flow path through the this full wave rectifier during negative half cycle. So in this way the current flowing through the load resistance is same during the both the half cycle and will get the full cycle at the output. This is first cycle for diode D1 will be on. This second half cycle during negative half cycle due to the diode D2. Okay, so in this full wave rectifier it will conduct for 0 to 360 degree, means full cycle of input AC voltage, that is from 0 to pi. ठीक है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों भी हाफ साइकिल्स में यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करेगा हाफ वेव रेक्टिव फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है, सो दैट इज 0 to 2 pi, दैट इज 0 to 360 डिग्री हमें आउटपुट मिलेगा. ठीक है, देन विल सी द आउटपुट वेव फॉर्म्स ऑफ दिस फुल वेव रेक्टिफायर. तो वेव फॉर्म में जो फर्स्ट वेव फॉर्म रहेगा वो रहेगा इनपुट एसी वोल्टेज, ठीक है, मीन्स बाई डायरेक्शनल एसी सप्लाई. सेकेंड वेव फॉर्म जो रहेगा वो आउटपुट रहेगा एक्चुअल व्हेन डायोड D1 विल कंडक्ट, एंड थर्ड वेव फॉर्म शोज द आउटपुट ऑफ डायोड D2 विल बी कंडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट वेव फॉर्म्स हमने दिखाया है. सेकेंड वेव फॉर्म जो रहेगा व्हेन पॉइंट ए इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट डायोड D1 विल बी कंडक्ट, सो दैट इज द सेकेंड वेव फॉर्म. थर्ड वेव फॉर्म जो रहेगा वो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए रहेगा, एट दैट टाइम पॉइंट बी इज पॉजिटिव एंड पॉइंट ए इज निगेटिव, एंड ड्यू टू दैट डायोड D2 विल बी कंडक्ट. ठीक है, then we'll see the actual waveforms. So this is the waveform for full wave rectifier. First जो waveform है वो आपका input है, जैसे हमने देखा that is Vin, that is a bidirectional AC voltage, that is from 0 to pi and pi to 2 pi and it is continuous क्योंकि symmetrical है. ठीक है, so that consists of alternating half cycle positive as well as negative, so that is the input waveform which is applied to the primary of ट्रांसफार्मर. सेकेंड वेव फॉर्म जो रहेगा वो रहेगा डायोड D1 का आउटपुट. ठीक है, तो हमें पता है कि 0 to pi के लिए फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 विल बी ऑन, सो आउटपुट विल बी ड्यू टू द डायोड D1. ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 ऑफ रहेगा. ठीक है, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 विल बी ऑन. तो ये सिर्फ आपका D1 जो डायोड है, ठीक है, तो उसका वेव फॉर्म है सेकंड. थर्ड विल बी द आउटपुट ऑफ डायोड D2. ठीक है, तो हमें पता है कि डायोड D2 विल बी वर्क ओनली इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सप्लाई, दैट इज फ्रॉम पाई टू 2 pi. सो इन दैट कंडीशन डायोड D2 विल बी ऑन, एट दैट टाइम डायोड D1 विल बी इन ऑफ कंडीशन.
because it is reverse bias. Okay, like that. So we'll get the negative half cycle at the output of full wave rectifier due to diode D2 will be on or conduct. So that is the waveform for D2 diode, and last waveform is the combination of these D1 and D2. So during positive half cycle D1 will conduct, during negative half cycle D2 will be conduct or on. Again positive half cycle D1 will be on, in negative half cycle D2 will be on, like that. So we'll get the full waveform of the input AC voltage, that is Vin, at the output of full wave rectifier, that is V out. Okay, so therefore full wave rectifier will conduct for full half cycle of input, that is 0 to 360 degree. Okay, so that is the simple working of full wave rectifier. तो यहाँ पे हमारा जो रेक्टिफायर सर्किट है, दैट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर के दो टाइप्स. तो इनका डिटेल स्टडी यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है. देन विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस रेक्टिफायर, दैट इज़ हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर. तो इस तरह से जो फुल वेव रेक्टिफायर दैट यूजेस और यूटिलाइजेस बोथ द हाफ साइकल्स ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज टू प्रोड्यूस द डीसी आउटपुट, ठीक है. तो जैसे हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों हाफ साइकल्स में हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है. ड्यू टू दैट इफिशियंसी ऑफ दिस फुल वेव रेक्टिफायर इज हायर देन द हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें सिर्फ एक ही आउटपुट, मीन्स हाफ वेव को ही वो रेक्टिफाई कर रहा है, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज, निगेटिव हाफ साइकिल उसमें एबसेंट है, ठीक है. बट इन केस ऑफ दिस फुल वेव रेक्टिफायर इसमें हमें दोनों भी हाफ साइकिल्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव के लिए भी और एज वेल एज निगेटिव के लिए भी हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है. दैट्स वाई द इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ग्रेटर देन द हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके, सो यहाँ पे दिया है कि द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 81.2% एंड द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%, मीन्स नियर अबाउट डबल है यहाँ पे, ठीक है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है वो कम है एज कम्पेयर टू द फुल वेव रेक्टिफायर ड्यू टू दिस हाफ वेव रेक्टिफायर विल कंडक्ट ओनली फॉर 0 टू पाई, दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड फुल वेव रेक्टिफायर विल कंडक्ट फॉर बोथ द हाफ साइकिल. इसी वजह से फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी जो 81.2 है एंड हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.6% है. ओके, सो फ्रॉम दैट मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही साइकिल मिल रहा है हमें पॉजिटिव, एंड फुल वेव रेक्टिफायर में हमें दोनों साइकिल्स के लिए आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव. इसलिए जो फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी वो डबल है हाफ वेव रेक्टिफायर से, सो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय टू. Then we'll see the advantages of full wave rectifier. So there are three advantages are given for full wave rectifier. First one, rectification takes place in both the cycles of AC input. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि दोनों हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है इनपुट के, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. सेकेंड वन विल बी द इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज हायर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. तो जैसे हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी वो 40.6% है, एंड फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी जो 81.2% है, सो नियर अबाउट डबल है फुल वेव रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है, सो दैट इज ऑल्सो द एडवांटेज. थर्ड वन, द रिपल इन फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस देन हाफ वेव रेक्टिफायर. तो रिपल्स जो है, मीन्स रिपल मीन्स द एसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट आउटपुट. ओके, सो दैट इज़ द रिपल्स. तो रिपल जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर में कम है, क्योंकि हमें दोनों हाफ साइकिल में यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में. ओके, सो दैट इज़ द थर्ड एडवांटेज एज कम्पेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर.
तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द फिल्टर सर्किट। सो थैंक यू।